यस गाइस, हम निकल गए हैं एंड हमारा टाइम दिखा 3 आवर्स एक्स्ट्रा मान के चल रहे हैं, बिकॉज बीच में रुकेंगे, खाएंगे पियेंगे, चाय, नाश्ता, लंच, एवरीथिंग। तो इसीलिए तो या यहाँ पे दिखा रहे हैं और टेक ओवर। हम करेंगे और हम कर लेंगे। वैसे पहले यहाँ दिखा रहे हैं 1 घंटा 15। गुड मॉर्निंग गाइज, नेक्स्ट डे हो गया है, सुबह के 4 बज रहे हैं, बिकॉज हमको निकलना है 5 बजे से पहले, तो बस 4 बज रहे हैं, जल्दी जल्दी नहा के निकलते हैं। इसलिए मैंने सोचा मैं अभी व्लॉग की ओपनिंग कर लेती हूँ, बिकॉज पता नहीं फिर अभी मेरे को फ़िलहाल टाइम मिलेगा नहीं, बिकॉज लेट हो जाऊँगी तो मैं बस भागूँगी ताकि मेरा दर्शन टाइम मिस नहीं हो। इसीलिए तो बस जल्दी से जाते हैं, नहाते हैं एंड रेडी होते हैं। हाँ जी गाइज, हम हो गए रेडी, फटाफट से निकलते हैं एंड चलते हैं 4:45। आधे घंटे में दोनों नहा धो के रेडी हो चुके, बढ़िया, भागते हैं अभी। यस, ऑल सेट। हमारे हो गए महाकाल दर्शन, अब हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर। एक यहाँ पे 4 धाम मंदिर भी था, हमने वो भी किया एंड यस, अच्छा हुआ। अभी तो क्या टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं, हमने तो दर्शन कर लिया था 5:30 6 o'clock तक। उसके बाद हम कॉरिडोर घूम रहे थे, फिर हम 4 धाम मंदिर गए थोड़ा, फिर अब चाय पी है, अब जा रहे हैं काल भैरव मंदिर, वहाँ के दर्शन करेंगे। फिर वैसे भी हम बैठे ही ई रिक्शा में, क्योंकि कार निकालने का स्कोप नहीं है यहाँ पे पतली पतली गलियों में। बेस्ट है कि आप अपने लोकल व्हीकल यहाँ पे करो, ऑटो या ये ई रिक्शा, उससे जाओ। हाय गाइस, वेलकम बैक। यस, दर्शन हो गए सारे मंदिर में करके आ गए हम। वहाँ पे मैंने कुछ भी शूटिंग है, यू नो मैं नहीं करती हूँ मंदिर में जाके शूट। हालांकि वहाँ पे ना ऐसे कोई इशू नहीं था, फ़ोन ले जा सकते थे, तो फोटोज़ एंड एवरीथिंग होगा वो मैं डाल दूँगी। अरे भाई, ये खोल दो, लाइट सही हो गई थोड़ी। सो यस, बढ़िया, मज़ा आया। हालांकि 4 बजे से उठ के अभी बज रहे हैं 10:30, हालत बहुत टाइट है अब मेरी। बट हमने ना फिर मंगाया है ब्रेकफास्ट, हालांकि हमने बीच में थोड़ा सा चाय एंड पोहा खाया था, तो हुआ था सेटलमेंट जब तक हम मंदिर घूम रहे थे। अभी लेकिन प्रॉपर नाश्ता चाहिए, उसके बाद सो जाएंगे, उसके बाद हमको नहीं पता। पर यहाँ पे जितने भी ऐसे मैक्सिमम मंदिर है ना बड़े बड़े, महाकाल तो है ही, महाकाल के बाद एक 4 धाम मंदिर है, काल भैरव मंदिर, सिद्धि माता मंदिर और भी थे, तो बहुत सारे हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। तो अब हमारा ऐसे मंदिर का नहीं है, अब बस एक है घाट है, राम घाट है यहाँ पे, वो भी हमने बाहर से देख लिया, मतलब बाहर से घाट है वो, तो हम वैसे भी घूम के आ गए हैं। बट शाम को सोच रहे हैं कि अगर सो के उठने के बाद ऐसे जान बचेगी ना, तो जाएंगे घाट पे, वहाँ थोड़े से मज़े करके आएंगे। ऐसे यहाँ पे अब बहुत गर्मी है, हमारा जो अच्छा मौसम वाला था ना वो महाराष्ट्र तक ही था, ठंडा ठंडा, कि वहाँ पे हमको स्वेटर पहनना पड़ रहा था, और यहाँ पे इतनी गर्मी है ना कि हालत ख़राब हो चुकी है। सुबह नहा के गए थे, स्टिल अभी ऐसी हालत है ना कि फिर से नहाना है। तो यस, बाय द वे हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, दिखाती हूँ। ब्रेकफास्ट में है, हमने क्या क्या मंगाया है, खोलिए मिस्टर हस्बैंड प्लीज़। हमने मंगाया है इडली सांभर, एंड इसमें हमारे पास है वड़ा सांभर गाइस, एंड यहाँ पे चाय केटल है तो चाय भी पियेंगे। चलिए अब मैं इंजॉय करती हूँ मेरा ब्रेकफास्ट, आपसे मिलूंगी मैं बाद में। हाय गाइस, अब हो गई है शाम और हम जा रहे हैं शाम की आरती के टाइम के हिसाब से जल्दी से निकलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, हमने ना ये सुबह ही खरीदा है, ये तो जब आप ऐसी जगह आते हो ना तो ये तो मैंडेटरी हो जाती हैं चीज़ें एक इनके लिए एक मेरे लिए। तो बस अब निकलते हैं और जल्दी से जाते हैं आरती करने, ठीक है, बाय। चलो जी, हम पहुंच गए हैं गाइस नदी पे, ये है नदी, ये है शिप्रा नदी, यहीं पे अभी पूजा आरती शुरू होगी 6 बजे से, अभी 5:30 हुआ है, हम थोड़ा जल्दी आ गए कि हम आगे आराम से खड़े रहें आरती के टाइम पे, इसीलिए
एंड यहाँ पे पहले जरा अपना वो कर लें, हाँ यहीं पे होती होगी पेटीज। समझ में नहीं आ रही क्या आप लोगों को? कैन यू स्पॉट द सनसेट गाइस? एकदम ऐसे ये जो होल है ना यहाँ बीच में है अभी सन, एकदम सनसेट के टाइम पे ही होती है आरती, इसीलिए बैठे हैं अभी, कह रहे हैं कि साथ बजे होगी प्रोबेबली। ऑनलाइन 6 बजे का टाइम था तो हम उसलिए आ गए, बट ठीक है बैठे हैं। हम वापस आ गए हैं होटल, बढ़िया हमने की आरती, आपने देखा होगा क्लिपिंग, बहुत मज़ा आया, अच्छे से हुए आज के दर्शन, अब बहुत अमेजिंग हुए। महाकाल में उज्जैन में आ गया, हमारा दिन बन गया, बहुत अच्छे से किया, तसल्ली से किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब बहुत अच्छे से हो गया। अब जा रहे हैं खाना खाने, तो जिस होटल में मैं हूँ ना उसका खाना मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने आपको सारे मील दिखाए हैं, बहुत टेस्टी है यहाँ का फूड। सुबह नाश्ते में भी जो मैंने मंगाया था ना साउथ इंडियन, वो भी बहुत टेस्टी था, पता नहीं मैंने उसकी क्लिपिंग बाद में ली या नहीं टेस्टिंग की, शायद नहीं ली, तो यस वो भी बहुत टेस्टी था। इसलिए अभी हम डिनर करने के लिए वहीं जा रहे हैं, मैंने उनका चाइनीज़ ट्राई कर लिया कल रात में, वो बहुत टेस्टी था, सुबह साउथ इंडियन कर लिया, अब नॉर्थ इंडियन की बारी है, तो आई जस्ट होप कि वो भी उतना ही टेस्टी हो जितने अभी तक की मील्स रहे हैं। तो बस इसलिए जा रही हूँ नीचे, इसलिए मैंने चेंज कर लिया एंड मुँह धोने का मन नहीं कर रहा क्योंकि आरती पे ना पंडित जी ने ये लगा दिया, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि रात में इकट्ठा जब मुँह धोंगी अभी रहने देते हैं थोड़ा भगवान जी के लिए,
तो बस चलते हैं डिनर करने, क्योंकि भूख भी लग रही है। सुबह जो खाया था हमने, वही 10-11 बजे मंगा के खाया था ना अपना इडली एंड ऑल। उसके बाद हमने ना वहाँ पे आरती पे गए थे, तो वहाँ पे थोड़ा स्नैक्स खा लिया, और बीच में कुछ नहीं खाया, तो अब भूख लग रही है दबा के, तो अब खाएंगे खाना। चलो आज का दिन बंद करने से पहले डिनर और कर लिया जाए। खराब नहीं है कि मतलब बस नाम के लिए खाए, अच्छा है खाना। हमारा खाना आ गया गाइस, ये है सब्जी, मेरी है प्लेन नान। अच्छा वैसे हमने सब्जी में किया है पनीर टिक्का मसाला, ये मिस्टर हस्बैंड की प्लेट। एंड मिस्टर हस्बैंड की आज नान डिफरेंट है, दिस इज देयर कश्मीरी नान ना। खोलो खोलो वो अलग खोलेगा, ये कश्मीरी नान, इसमें ना ड्राई फ्रूट की स्टफिंग है। कैसी है टेस्ट में वैसे? अच्छी है, मीठी मीठी होगी ना ड्राई फ्रूट्स की वजह से। चलो जी अब हम एंजॉय करते हैं अपना डिनर। हाँ जी गाइस, डिनर हो गया, ऊपर आ गए, मुंह धो लिया, सब हो गया, बस अब सोने जा रही हूँ मैं। मैंने सोचा इस ब्लॉग की क्लोजिंग कर देती हूँ। आज का दिन काफ़ी अच्छा था, हैपनिंग था, बढ़िया था। कल सुबह हम निकलेंगे जयपुर के लिए, जिसमें हम सोच रहे हैं कि बीच में एक स्टॉप और ले लें, क्योंकि जयपुर इज़ अगेन लाइक 10-12 आवर्स की राइड है, तो उतना हम करना नहीं चाहते। तो वी आर लाइक कि हम एक स्टॉप ले लेते हैं, तो इसीलिए प्रोबेबली रुकेंगे कहीं पे, बाकी ये देखते हैं। तो इस नेक्स्ट बट आर नेक्स्ट जो हमारा डेस्टिनेशन है ना, वो जयपुर है। जयपुर में मस्ती करनी है बहुत सारी। तो या चलो इस व्लॉग को यहीं पे बंद कर दियो, गुड नाइट, सी यू इन नेक्स्ट सिटी नाउ, बाय बाय।